जय हिंद प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग के बहुत सारे कमेंट कल बहुत मेरे पास आए हैं, और जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने सर्वे कंडक्ट किया है और जो मैंने खुद से एनालिसिस किया है, तो आपका मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपका कट ऑफ लॉजिकली बताऊंगा और क्यों इतना, मतलब इतना कट ऑफ क्यों जाने वाला है, हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर का जो हमेशा हाई कट ऑफ जोन कौन सा है। चंडीगढ़ है, इलाहाबाद है, मुंबई है, गोरखपुर है, सिकंदराबाद है, अजमेर है, कोलकाता है, पटना है और भोपाल है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे जोन है जहाँ कट ऑफ आपका हमेशा हाई गया है। आप 2018 का देख लें और 2015 एनटीपीसी का देख लें, जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, इनका कट ऑफ जो है वो हमेशा हाई जाता है। ठीक है, तो इस बार भी दोस्तों चांसेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ कट ऑफ जो जा रहा है, जो जो उसका प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि इसका कारण है कि एक तो सीट ज़्यादा यहाँ होती है और दूसरा नंबर ऑफ जो लोग अप्लाई करते हैं दोस्तों, वो यहीं से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अपने होम टाउन से ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं लोग। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर का जो लो कट ऑफ जोन है दोस्तों, वो सिलीगुड़ी, जम्मू कश्मीर, मालदा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये कुछ ऐसे जोन है दोस्तों जो हर साल जितने भी अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं, यहाँ कट ऑफ काफ़ी लो गया है और इस बार भी जाने के काफ़ी चांसेस है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत कुछ हल्का फुल्का नंबर से इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ का कट ऑफ हमेशा कम जाता है। उसका कारण दोस्तों ये है कि यहाँ सीटें ज़्यादा कम होती हैं, सीटें ज़्यादा कम होती तो लोग इधर फॉर्म कम अप्लाई करते हैं, और दूसरा चीज़ कारण ये होता है कि दोस्तों ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं सीट कम होने के कारण लोग यहाँ कम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं यहाँ के कट ऑफ कम होने के, और इस बार भी यही रहने वाला है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो बच गए दोस्तों, उनको हम मीडियम कैटेगरी में ले आते हैं। ठीक है, जो भी कट ऑफ अभी बचा हुआ है, जैसे कि गोरखपुर बच गया, क्योंकि ये चेन्नई हो गया, ये कुछ ऐसे जोन है दोस्तों जहाँ कट ऑफ हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। लो तो नहीं होगा दोस्तों, मीडियम हो सकता है या हाई से थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मेन हम अपने कट ऑफ में चलते हैं। तो दोस्तों अगर दोस्तों ये जो लो कट ऑफ जोन जो अभी मैंने बात की, तो इसका कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड होने वाला है दोस्तों। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये रॉ मार्क्स पे बता रहा हूँ। ठीक है, रॉ मार्क्स पे बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मलाइजेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपके नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से मैं कट ऑफ बताया हूँ। ठीक है, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके 10-10 15-15 मार्क्स बढ़ेंगे, तो ये कट ऑफ चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इतना कम कट ऑफ नहीं जाता कभी। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये मैंने क्या बताया, नॉर्मलाइजेशन के बेस पे बताया। ठीक है, तो लो कट ऑफ जोन देखते हैं क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप लो कट ऑफ जोन रॉ मार्क्स के बेस पे देख सकते हैं। अगर आप मालदा, सिलीगुड़ी और मुजफ्फरपुर और या बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, तो जनरल में अगर आपके 53 से 56 आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं कि 53 से 56 आ रहे हैं तभी सेफ हैं। अगर आपके दो या एक से दो नंबर या तीन नंबर अगर आपके कम भी आ रहे हैं तब भी आप सेफ हैं। उसका कारण ये है दोस्तों कि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों 15 नंबर भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ का कट ऑफ दोस्तों 65 जाना, 65 जाएगा। ठीक है, 65 जा सकता है यहाँ का कट ऑफ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन डिपेंड्स करता है नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ रहा है। दोस्तों आपको पता है कि एक दो कल ही आरआरबी जूनियर इंजीनियर ने एक नोटिफिकेशन डाला है ऑफिशियली, जहां नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज कर दिए हैं। अब उस फॉर्मूला से क्या इफेक्ट होने वाला है, कितना नंबर घटने वाला है, कितना देने वाला है, वो सब चीज़ें देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ओबीसी का, देखते हैं 51 से 54 अगर आपके आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सेफ हैं। एससी का देखिए 48 से 50 नंबर, और एसटी का देखिए 44 नंबर से 46। तो ये लो कट ऑफ जोन के डेटा है, कट ऑफ है। अब हम चलते हैं हाई कट ऑफ जोन। हाई कट ऑफ जोन में दोस्तों आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, अगर आप जनरल में हैं 56 से 62 अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी सेफ है। ओबीसी देखिए 53 से 59, एससी देखिए 50 से लेकर 55, 50 से 55, एसटी देखिए 47 से लेकर 51। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं या एक दो नंबर कम आ रहे हैं तो आप अपनी CBT 2 की तैयारी करना चालू कर दें। ठीक है, कितने भी आपके पास बहुत सारे कट ऑफ आएंगे, अभी कुछ ज़्यादा बताएंगे, कुछ कम बताएंगे, उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना दोस्तों। आप खुद समझिए कि इतना ही
अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि जो दोस्तों मैंने सर्वे कंडक्ट कराया है ना, वहाँ भी मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि लोगों के 65 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं। और ये सर्वे दोस्तों मैं शायद दोपहर के वो ले कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और अच्छा सैंपल इकट्ठा हो जाए तो फिर लाने में ज़्यादा सही रहेगा। ये जो मैं कट ऑफ बताया दोस्तों, वो अपने मैंने अपने खुद एनालिसिस किया है, जो सर्वे है, जो कमेंट है, जो प्रीवियस कट ऑफ है, और जो पेपर का लेवल आया है, और जो जितने नंबर को उनको 10 टाइम्स 15 टाइम्स लोगों को लेना है, तो उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से कट ऑफ बनाया है। सर्वे का जो कितना लोगों का मार्क्स आ रहा है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, वो शायद आप भी। हाँ, और दोस्तों साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप कितने नंबर आ रहे हैं ना, या थोड़ा सा एक दो नंबर कम आ रहे हैं, तो आप अपना तैयारी चालू कर दें, ठीक है। ये हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ 55 आ रहे हैं, ठीक है, 55 आ रहे हैं, तो मान लीजिए 20 नंबर बढ़ जाते हैं, तो 70 कट ऑफ जा सकता है, ऑन एवरेज में बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि 70 कट ऑफ नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, ये मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये चेंज हो सकता है। अगर आपके मान लीजिए दोस्तों 56 नंबर आ रहे हैं, तो आपके भी दोस्तों लगभग 67 नंबर हो सकते हैं, ठीक है, आपके 67 नंबर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन है, मान लीजिए 10 से 15 नंबर बढ़ते हैं तो आपके हो सकते हैं, तो कट ऑफ भी आपका फ्लैक्चुएट होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये कट ऑफ मैं कहाँ से लाया हूँ, कैसे मैं सर्वे कंडक्ट करा रहा हूँ, तो आपको मैं दोस्तों बता दे रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें कल से दोस्तों मैं बता रहा हूँ काफ़ी तेज़ी से लोग ज्वाइन हुए हैं, लगभग 4000 लोग उस चैनल में कल से ज्वाइन हुए हैं। मतलब कि पहले जब मैं कल कट ऑफ बनाया था, हल्का सा बनाया था कट ऑफ कैसे आपको जाना है, सर्वे देना है, तब 70,000 था, आज दोस्तों उसमें 74,000 लोग ज्वाइन हो गए हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ कट ऑफ सर्वे तो कंडक्ट हो रहा है, लेकिन जो आपका सेकेंड राउंड का दोस्तों बुक्स होंगी, PDF होंगी, वो मैं वहाँ फ्री में प्रोवाइड करूँगा, जो टेक्निकल का होगा, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, वहाँ मैं फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वहाँ आप ज्वाइन हुई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये थी कट ऑफ, मेरे हिसाब से आप इस कट ऑफ पे काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इतना हो सकता है। और एग्जैक्टली कट ऑफ मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कोई भी नहीं बता सकता दोस्तों, जितना मैं अपनी तरफ से एनालिसिस किया है उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाया है। तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकॉन दबा लीजिए, RRB जूनियर इंजीनियर, और दोपहर तक शायद मैं दोस्तों सर्वे का भी कट ऑफ ले आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।